सीखेंगे इसके ऊपर से पेंसिल दें, मैं आपको बता रहा कि रीडिंग कैसे लेनी है। आपने सिर्फ करंट को यूनिफॉर्मली चेंज करना है। यूनिफॉर्मली चेंज का मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, 3 और 50 के दरमियान फोटो सेल और बल्ब विद लाइट के दरमियान आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज आपको उस बल्ब से 10 सेंटीमीटर दूर चलेंगे, अब उसमें से 10 फोटॉन इधर से निकल गए, अब 90 फोटॉन आपको ठीक करेंगे तो 90 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 90 माइक्रोन में। तो इसका मतलब है जैसे जैसे फोटो सेल और बल्ब के दरमियान डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर रहे हो तो जो आपके पास करंट क्या होगा डिक्रीज होगा। एक ही आपने वेरीफाई करना है। सेकेंड में जब आप फोटो सेल और बल्ब दोनों के दरमियान डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो, देखो डिक्रीज कर रहे हो तो करंट क्या होगा इंक्रीज होगा। अब कैसे इंक्रीज होगा ये गैल्वेनोमीटर आपको बता देगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे कहेगा यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज करंट और डिस्टेंस। या तो आप डिस्टेंस को यूनिफॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज करो, कैसे 10 से 15, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, या करंट को आप यूनिफॉर्मली डिक्रीज या इंक्रीज करो 20, 50, 60, 70, 80। ऐसा नहीं 50 पे आपने 80 ली, नेक्स्ट 70 ली और नेक्स्ट 80 पे ली। यूनिफॉर्मली का वर्ड आएगा तब फिर आप सही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आपने शुरू में क्या करना है इसको आपने 50 पे सेट कर लो, ये आपके पास आ गया 50, ठीक है। और आप बस रेडी लेना चाहें तो स्केल की मदद से यहाँ पे देख लें, यहाँ स्केल रख के देखिएगा, ठीक है। लेट से जो भी है आपके पास डिस्टेंस आ रहा है इस पर 33, तो आपके पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी 33 और करंट कितना है 50 एम्पीयर। मुझे करंट को क्या करना है इंक्रीज करना है पहले, तो मैं डिस्टेंस को क्या करूंगा डिक्रीज कर दूंगा। मुझे 60 चाहिए करंट 60। आपने नोट किया ये 32 हो गया 31.8। नेक्स्ट स्टेप में अब 70 चाहिए और डिक्रीज किया 70, फिर डिस्टेंस आपने चेक कर लिया और ये 30 आ गया। इस तरह आपने एटलीस्ट 10 ऑब्जर्वेशन ले लिया। नेक्स्ट केस में आप उसने कहा है करंट डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज कब होगा जब मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा। इसी तरह आपने लेट से आपने 100 पे आ गए, आप 100 से रिवर्स में जाना है 90, 80, 70 एंड सो ऑन। इस तरह आपने 8 ऑब्जर्वेशन या 10 कम से कम ले लेंगे, ग्राफ आपका स्ट्रेट बनेगा, ठीक है।